किसी ने सर नीचा किया था, किसी ने खटिया के पाहे के नीचे रखकर उसे दबक के मार दिया था, किसी ने तंबाकू का बुचका रखा था और वो खत्म हो गई थी। तो भिंड और मुरैना में उस बेटी के बस अब सामने से मंच कृपया खाली कर गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के कारण खड़ी है कि आज वो गर्व से कह सकती है कि बेटी वरदान नहीं नहीं होगी, बेटी पढ़ेगी, बेटी आगे बढ़ेगी और एक नहीं दो जी विराजमान है, उनका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आपने देखा कि लाखों करोड़ों रुपए का भूमि पूजन और लोकार्पण हमारे मध्य प्रदेश के जनता ने किया है। अब मैं कन्या पूजन का भी काम हमारे प्रदेश के मुखिया ने किया है। अब मैं हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय प्रभात जी और हमारे लोग सांसद जी से आग्रह करता हूँ कि वो धनकुंडी मार्ग, बाबरी घाट यूनियन, पीडब्ल्यूडी की अलग अलग रोड, उन सब के बारे में विस्तार से नहीं कहना चाहता, लेकिन सड़कों का जाल, बिजली की बेहतर व्यवस्था, पानी का इंतजाम, ये बाई नहर की लाइन के काम 164 करोड़ रुपए का हुआ है। ईमानदारी से बताना सिटी वालों, जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? अरे जोर से बता दो महिलाओं, किए थे क्या? कांग्रेस ने केवल बातें की। मेरे मध्य प्रदेश को बीमारू मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बनाया, दिग्गज नेता, धुरंधर नेता, बड़े बड़े नेता, लेकिन मध्य प्रदेश गड्ढों का प्रदेश बना दिया आपने, मध्य प्रदेश अंधेरों का प्रदेश बना दिया, आना जाना मुश्किल था, सड़कें बची नहीं थी और बिजली कभी कभी दर्शन देने आती थी। उस समय लोग नारा लगाते थे, जब तक रहेंगे दिग्गी जलती रहेगी डिब्बी। व्यापारी भाई इन्वर्टर खरीद के रखते थे, चार पांच कर करा के लगा लो, अगर मुझसे कोई नाराज होगा तो इन्वर्टर की कंपनी वाले नाराज होंगे क्योंकि मैंने बिक्री बंद करवा दिया। भरपूर बिजली जनता जनार्दन को हमने देने की कोशिश की है ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये काम अगर मैं गिनाऊ सिंचाई के मामले में, ये मेरा होशंगाबाद जिला, आज भी मेरी कोशिश ये है कि कोई इलाका असिंचित ना छोड़ू। लगातार मुझे अभी दो तीन गांव में छोटी छोटी मांग, माइक्रो इरिगेशन, तबाह नहर से माइक्रो इरिगेशन की, बंदर खो परियोजना, नबल गांव भरनाए चेतलाए परियोजना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि तकनीकी दृष्टि से अगर कोई दिक्कत नहीं होगी तो इन योजनाओं को भी स्वीकृत कर दिया जाएगा। एक एक किसान के खेत में पानी देने का काम करता है। अरे आपने तो देखो कांग्रेस ने, केवल कांग्रेस ने नहीं, कांग्रेस राजा नवाब अंग्रेज सब ने मिलकर सिंचाई की व्यवस्था की 7.5 लाख हेक्टर में, और अकेले हमने उसको बढ़ा के कर दिया 40 लाख हेक्टर, और अभी 80 लाख हेक्टर का मैं जानता हूं मेरे किसान मेहनती है, परिश्रमी है, दिनों रात मेहनत करते हैं। किसानों को कुछ मत दो, बस पानी दे दो, बाकी काम किसान अपने आप कर लेगा। और इसलिए 80 लाख का रोड मैप मैंने बनाया है, लेकिन केवल पानी नहीं पसीने की भी पूरी कीमत दूंगा। मेरे किसान भाइयों, जरा गहराई से सोचना, कब इतनी सुविधा मिली थी? 18% ब्याज पे कर्जा देती थी कांग्रेस, मैंने घटा के कर दिया 0%। खाद के लिए लाइनें लगती थी, मैं एयरपंप भंडारण करके रखवाता हूँ और कहता हूँ पहले उठा ले जाओ और ब्याज के पैसे मामा भर देगा, उसकी चिंता मत करो। अरे ऐसा कभी सुना है क्या? पर किसान बेचाओ गेहूं और भूल गए तो कितना बेचा?
200 रुपया कुंटल डाल के मैंने इलाज याद दिला दिया कि इतना बेचा। और पूरे देश में गेहूं बिका 1735 रुपया कुंटल, 265 और डाल के मैंने बिकवाया 2000 रुपया कुंटल। पसीने की पूरी कीमत दूंगा। अभी तो मूंग का डिफरेंस आने वाला है, उड़द का डिफरेंस आने वाला है, सीधे आपके खाते में जमा करने वाला हूँ। और चना मसूर और सरसों के भी 100 रुपया कुंटल अलग से खाते में डालूंगा। किसान भाइयों पासबुक देख लिया करो, मामा पता नहीं कहाँ के पैसे डलवा दे। कोई कसर मैंने नहीं छोड़ी किसान को पसीने की पूरी कीमत देने में। और आगे भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, चाहे धान हो चाहे सोयाबीन हो, पसीने की पूरी पूरी कीमत दी जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। एक तरफ किसान की जिंदगी बदलने का काम करना है, भाई दूसरी तरफ गरीब को भी नहीं छोड़ना। सिवनी के सिवनी मालवा के व्यापारी भाइयों, जीएसटी से आने वाली सारी दिक्कतों का हमने समाधान किया है। और कोई दिक्कत होगी तो उसके लिए व्यापारी पंचायत भी जल्दी में बुला रहा हूँ, ताकि व्यापार के रास्ते की राह आसान हो जाए। और गरीब बहनों और भाइयों, किसी जाति के हो किसी समाज के हो, आज मैं कह रहा हूँ, मैंने कभी जाति समाज का नाम नहीं लिया, लेकिन मेरी एक एक योजना देख लो, लाडली लक्ष्मी योजना सबके लिए है। ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो अगड़े हो पिछड़े हो अनुसूचित जाति के हो जनजाति के हो, मैंने अगर 1 रुपया किलो गेहूँ चावल और नमक खिलाया है तो हर गरीब को खिलाया है। कोई जाति नहीं छोड़ी, सामान्य वर्ग पिछड़ा वर्ग और बाकी गरीब भाई बहन, गांव की बेटी योजना हो, विधवा किरण योजना हो, तीर्थ दर्शन योजना हो, कौन सी योजना में सब जातियां नहीं है कोई बता तो दे। अल्पसंख्यक भी सब योजना में शामिल है, क्योंकि सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। सबका साथ और सबका विकास, ये हमारा मूल मंत्र है, सबको साथ लेके चलूंगा। लेकिन एक योजना, दुनिया की अद्भुत और अनोखी योजना, वो योजना हमने बनाई है संबल, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। ए मेरे गरीब बहनों और भाइयों, तुम किसी जाति के हो तुम किसी धर्म के हो, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। गरीब तो गरीब होता है, भूख और बीमारी जाति देख के नहीं आती। और इसलिए, और गरीब कौन उसकी परिभाषा भी आपको बता रहा हूँ। जो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं वो गरीब है सब, फसल काटने वाले, खेत जोतने वाले, ईंटे बनाने वाले, गाड़ा ढोने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, गिट्टी लाने वाले, दुकानों में काम करने वाले, हाथ ठेला लगाने वाले, साइकिल रिक्शा चलाने वाले, हम्बाली करने वाले, खून पसीना बहाने वाले, ये सब आर्थिक रूप से कमजोर है। लेकिन 2.5 एकड़ तक का किसान भी मैंने शामिल किया है, वो भी गरीब है, उसको भी सहाय संबल की जरूरत है। और छोटा मोटा व्यापार करने वाले, चाय की दुकान वाले, पान के ठेले वाले, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, छोटी मोटी किराने की दुकान वाले, ये भी आर्थिक रूप से कमजोर है, निम्न मध्यम वर्गीय है। इनकी जाति कोई भी हो कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन इनके कल्याण के लिए संबल योजना 2 करोड़ 20 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ।